गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो यार आप लोग? आई होप सब अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। तो भाई हम लोग आपके लिए गाड़ी का रिव्यू फिर से लेके आ चुके हैं। जैसे कि मैंने बोला था किया सेल्टॉस डीजल ऑटोमेटिक का मैं रिव्यू करूँगा, है ना, टॉप मॉडल का। तो भाई आज हम लोग वो रिव्यू करेंगे। जस्ट दो मिनट में लूँगा रिव्यू स्टार्ट करने से पहले। भाई एक अपना कोई व्यूअर या सब्सक्राइबर है भी कि नहीं ये भी मुझे नहीं पता, ठीक है। उसने एक कमेंट किया है, क्या कमेंट किया है भाई जरा दिखाओ। ये देखिए भाई उसने ये कमेंट किया है, ठीक है, मेरे वीडियो पे। तो भाई पहली बात तो ये, मैंने अपने किसी वीडियो में इलाहाबाद के प्राइड पे कोई सवाल नहीं उठाया है, ठीक है। मैं अपने काम जो कि व्लॉगिंग है उसके बारे में बस कह रहा कि यहाँ करना थोड़ा मुश्किल है व्लॉगिंग, ठीक है। और जो मैंने वो चीज़ कही थी कि भाई यहाँ क्लब और बार का कॉन्सेप्ट नहीं, हम लोग गाड़ियों सारे लड़के गाड़ियों पे ही पैसा खर्चते हैं, तो भाई ये मेरे अपने ग्रुप की मैं बात कर रहा था, ठीक है। मैं नहीं कह रहा था कि आप, हो सकता है आप भाई कोई दूसरा क्लब जानते हो जो कि हम लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे नज़र में भाई इलाहाबाद में अभी तक तो कोई क्लब नहीं है। देखो जो बात फैक्ट है, इलाहाबाद जितना आपको नहीं पसंद है भाई उससे कहीं ज़्यादा, मैं बचपन से यहाँ पला बड़ा हूँ, रहा हूँ, ठीक है। मैं हर वीडियो में अपने बोला हूँ कि यार अपने शहर की बात दूसरी ही होती है, तो गलत मतलब निकालने का भाई 10 लाइन मैं भी अंग्रेज़ी में आपको रिप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। और भाई जितने भी लोग हैं सब रोज़ की घूमने फिरने वाले हैं यहाँ इलाहाबाद में, क्लब कौन सा भाई मुझे अभी तक नहीं पता है, ठीक है। जिससे आप क्लब कह सको वो तो। और भाई अब मैं क्या बोलूँ यार, जस्ट फाइंड सम वर्क इन लाइफ ब्रो, सीरियसली, ठीक है। क्योंकि वहाँ कमेंट एक लिखना ना 2 मिनट में बहुत आसान है, और 24 घंटा काम करके 10-15 मिनट की वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है मेरे भाई, ठीक है। चलो तो रिव्यू शुरू करते हैं भाई, ठीक है। तो आज के हमारे कैमरा मैन है ये, हाय गाइस। और भाई ये भी बहुत, जबकि इनके हाथ में दर्द है फिर भी आपके लिए बहुत मेहनत करने वाले हैं, इसीलिए भाई पूरा सपोर्ट करना है वीडियो को, ठीक है। तो भाई ये है अपनी किया सेल्टॉस, इसका भी नंबर 0007 ही है, क्योंकि आपको पता है 0007 से भाई अपने आप को अलग प्यार है, ठीक है। भाई ये कुछ ऐसी है इसकी चाबी, ठीक है। ये टॉप मॉडल है भाई, और ये जो लोगो है ये नया वाला है, गाड़ी पे भी आपको यही लोगो देखने को मिलेगा। पहले एक दूसरा लोगो आता था इस पर। अब मैं कर दूंगा इसको अनलॉक। अनलॉक करने पे भाई इसका हॉर्न और ऑटो फोल्ड मिरर्स खुद ब खुद खुल जाते हैं। हेडलाइट्स हैं भाई इसकी कुछ ऐसी, आपको इसके अंदर 1, 2, 3 और 4 LED मिल जाती हैं भाई। और ये आपके इंडिकेटर्स हैं, ये आपके फॉग लैंप्स हैं नीचे की तरफ, आपका ग्रिल है इसमें भाई कुछ ऐसा। लोगो मैंने बता ही दिया भाई, नए शेप का लोगो आता है इसमें, ठीक है। और अब हम चलते हैं इसके थोड़े टायर्स पे। तो भाई टायर्स में आपको एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं इस कट के भाई, हैं तो ये कटेड एलॉयज ही हैं, बट ये वो वाले नहीं है जिसमें दो तरह के पेंट आते हैं, ये सिंगल पेंट पे ही एलॉयज आते हैं, बाकी आप बाहर से तो करा ही सकते हो। ये गाड़ी ऑटोमेटिक टॉप मॉडल है, इसलिए यहाँ पे आपको ऑटो की बैजिंग मिल जाती है। जिस भी किया पे आपको ये बैज देखने को मिलता है, मतलब ये गाड़ी का ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक है, ठीक है। ये भाई इसके मिरर्स हैं, यहाँ पे भी इंडिकेटर आपको जलने को मिलता है। बात करें डोर हैंडल की, तो भाई ये क्रोम लगा ही हुआ आता है गाड़ी में, और यहाँ पे आपकी कीलेस एंट्री मिल जाती है, मतलब मैं यहाँ से बटन दबा सकता हूँ गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, यहाँ से दबा सकता हूँ गाड़ी लॉक हो जाएगी, ठीक है भाई। अब आते हैं थोड़ा इसके पीछे की तरफ। भाई पीछे से गाड़ी दिखती है आपकी कुछ ऐसी, ठीक है। यहाँ पे भी लोगो आपका न्यू वाला ही रहने वाला है। यहाँ पे आपको सेल्टॉस की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पे भाई बैकलाइट आ गई आपकी, ये रिफ्लेक्टर, और ये नीचे कुछ नहीं मिलता है, लेकिन आप वहाँ चाहो तो बाहर से रिफ्लेक्टर लगा सकते हो वहाँ पे, ठीक है। अब भाई आपको इसका दिखाएंगे बूट स्पेस। इसका बूट भाई ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअली आपको इसका बूट खोलना पड़ता है। और भाई बूट स्पेस आपको काफ़ी डिसेंट मिल जाती है भाई इसके अंदर, ठीक है। यह आपका फर्स्ट एड किट आता है भाई, जो कि किया कई तरफ से आता है, ठीक है। और इसको आप यहाँ से पकड़ के भाई ऐसे बंद कर सकते हो, बंद हो गया, ठीक है भाई। साइड्स भाई ये इसका डीजल टैंक आ जाता है यहाँ पे, और ये सब स्टिकर्स भाई आपको चिपक के मिलते हैं। ये किया का हेल्पलाइन नंबर आपको यहाँ, ताकि कहीं भी गाड़ी, अगर आपने रोड साइड असिस्टेंस का पैकेज लिया है तो कहीं पर भी भाई आपको हेल्प प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है भाई। अब चलेंगे भाई गाड़ी के रूफ की तरफ। भाई ये गाड़ी के रूफ रेल्स हैं, ठीक है। ये आपको कंपनी फिटेड ही मिलते हैं, वो शार्कफिन है भाई, वो भी आपको टॉप मॉडल में कंपनी फिटेड ही मिलता है। और यहाँ पे भाई आपको मिल जाता है हर इंडियन का फेवरेट, जिसको कहते हैं सनरूफ, ठीक है भाई। तो अब भाई चलते हैं गाड़ी के अंदर और मिलते हैं आपसे वहाँ पर। तो भाई अब हम लोग जा रहे हैं गाड़ी के अंदर, और यहीं से मैं इसको बिना रिमोट पे बटन दबाया, ये बटन दबाया, गाड़ी अनलॉक हो चुकी है भाई।
और गाड़ी है भाई अंदर से कुछ ऐसी, ये इसका स्टीयरिंग, ये इसका स्टीरियो, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ये गाड़ी आती है। इसका भाई डोर हैंडल लगता है अंदर से कुछ ऐसा, और भाई ये जो आपको स्पीकर्स मिलते हैं ना, बोस का सराउंड साउंड सिस्टम मिलता है भाई इसमें, क्योंकि इस बजट की गाड़ी के लिए भाई मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है जो इन लोगों ने की है, क्योंकि भाई ये सिस्टम अकेले में ही लाखों का आता है। वो आपको तक बैठने जा रहे हैं इसके अंदर, और भाई बात करें स्पेस की, बहुत कंफर्टेबल भाई आपको स्पेस मिल जाता है, ठीक है। ये आपकी सीट्स भाई 8-way एडजस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक है इधर की सीट, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट हो जाती है भाई आपकी सीट पूरी। आपको इस गाड़ी में भाई पुश बटन स्टार्ट मिलता है, तो आप ऐसे इसको बस ये दबा के भाई स्टार्ट हो जाती है भाई गाड़ी पूरी। अब भाई इस गाड़ी में इतना टेक है ना, अपने प्राइस के हिसाब से इतना टेक है कि क्या ही मैं बताऊँ आपको, ठीक है। तो अब भाई को मैं इधर से बुलाऊंगा कि इधर से आके अंदर बैठे, ताकि और अच्छे से दिखा पाए आप लोग को। तो भाई अब हम लोग आपको दिखाएंगे इसका गियर लीवर सबसे पहले। तो भाई इसमें आपको 5 ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, एक पार्किंग है, एक रिवर्स है, ये जो बटन होता है ना यहाँ पे, ये आप दबा के इसको पीछे शिफ्ट कर सकते हो यहाँ से, अब गाड़ी रिवर्स में आ गई। इसका कैमरा है कुछ ऐसा, ठीक है, कैमरा की क्वालिटी उतनी कुछ खास नहीं, बट सफिशियंट है सिटी के लिए, सफिशियंट है। ये आपका न्यूट्रल गियर आ जाता है भाई, और ये आपका ड्राइव में अब गाड़ी आ गई है। और अगर आप इसको इस तरफ शिफ्ट कर दोगे तो ये आपके मैनुअल स्पोर्ट्स मोड में आ चुकी है गाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्पोर्ट बन के आ रहा होगा मीटर पे, ये यहाँ पे है ना। अब इसको अब मैं यहाँ से मैनुअल में भी कर सकता हूँ, ठीक है, तो वो भाई अपने ऊपर की चीज़ है, जिसको जैसी चलानी हो। अब मैं आपको इसका लव मैं इनको ज़रा वो दिखाता हूँ, डिजिटल क्लस्टर जो है भाई, ये आपका डिजिटल क्लस्टर है। यहाँ पे आपके कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि आप ये कंपास देख सकते हो अपना, यहाँ से रेंज दिखाता है गाड़ी का, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी भाई इसमें आ जाता है आपका, ठीक है। अक्यूमुलेटेड इन्फो वगैरह ये आप 3 तरह में देख सकते हो, ठीक है भाई। और ये आपका फ्यूल गेज है, लेफ्ट पे टेम्परेचर मीटर है, ठीक है। और ये भाई आपके हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं इस तरफ से, ठीक है। मैं इसको ऑटोमेटिक पे ही करके छोड़ता हूँ, क्योंकि इस गाड़ी में ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है। तो और भाई वाइपर भी इसके ऑटोमेटिक हैं, ठीक है। बट माइंड ये मैं भाई टॉप मॉडल का आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये भाई वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, मोड सिलेक्टर का, वॉइस कंट्रोल भी आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। ये फ़ोन उठाने का, ये फ़ोन काटने का भाई आपका बटन आ जाता है। ये आपका ये यही जो मैं अभी कर रहा था ना, डिजिटल क्लस्टर के मेन्यू को मैं शिफ्ट जो कर रहा था वो यहाँ से होता है। बात करें तो भाई एवरेज की इसकी, तो भाई इस समय ये गाड़ी 17.1 किलोमीटर का एवरेज दे रही है सिटी में ऑटोमेटिक होने के बावजूद, जो कि भाई मेरे हिसाब से इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता भाई डीजल में वो ऑटोमेटिक होते हुए, जबकि ये गाड़ी चलती भी भारी पंजे से ही है, ठीक है। तो अब भाई आ जाते हैं इसके यहाँ पे, यहाँ पे भाई क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है आपका, ठीक है। ये उसको कैंसिल करने का और ये उसको सेट करने के सारे बटन्स हैं आपके, ठीक है। हॉर्न है भाई इसका कुछ ऐसा, ऐसे कुछ हॉर्न है, ठीक है, अच्छा हॉर्न है भाई। और ये भाई आपके एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आप एसी ऑन कर सकते हो, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी आपको मिल जाता है भाई इस गाड़ी में। अभी मैं फ़िलहाल बंद कर दूँगा क्योंकि आवाज़ आएगी एसी की, है ना भाई। आपको इस गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। आप इसको सेट कर सकते हो 2 पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे, या फिर आपको पूरा चाहिए, दोनों तरफ आपको मिल जाता है भाई वेंटिलेटेड सीट्स, ठीक है भाई। अगर आपको ऐसे ही कैमरा खोलना है बिना गियर लगाए, तो आप इसको यहाँ से दाब सकते हो और वहाँ पे कैमरा खुल जाता है, पता नहीं अभी क्यों खुल नहीं रहा है वैसे, ठीक है। अब भाई ये जो AQI आप देख रहे हो, इसमें एयर प्यूरीफायर भी आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये एयर की क्वालिटी बता रहा है, जिसको पढ़ना आता हो वो समझ पा रहा होगा, ठीक है। बाकी इसकी स्क्रीन की बात करें भाई, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं हम लोग को, और ये भाई बोस की बैजिंग आपको बहुत सारी जगह पे देखने को मिलती है इस गाड़ी में, ठीक है। ये कंपास वगैरह, और ये इसमें साउंड, मूड, यूवो, फेवरेट्स, मीडिया, मैप, फ़ोन, स्मार्ट प्योर एयर, ये एयर प्योरीफायर का भाई ये सेक्शन है, ठीक है। ये आपको पूरी इतनी उसमें डिटेल में दे रहा है भाई कि क्या ही मतलब, मुझे तो आता नहीं है। और इसमें आप अपना एक परफ्यूम भी अंदर कहीं लगा सकते हो, ठीक है, यहाँ से ऑफ ऑन कर सकते हो आप इसको, और ये आप अपना परफ्यूम भी लगा सकते हो भाई इसमें अंदर। और ये रियर स्क्रीन का मतलब पता है क्या है, क्योंकि भाई यहाँ पे इसमें यहाँ पे भी एयर प्योरीफायर का आपको दिखाता रहता है पीछे से भी, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं ठीक से आगे से, यहाँ पे भी दिखाता रहता है, यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस मेन्यू में,
ये भाई आपका होम स्क्रीन है, इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। वॉइस रिकॉर्डिंग भी इस गाड़ी में होती है भाई, जैसे अगर आप मान लो कोई बिज़नेस डील करने बैठे हो तो आप सीधे अपने बिज़नेस डील को वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो गाड़ी में बैठे बैठे, ठीक है। एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो मिल जाता है, बट वायरलेस नहीं मिलता है, ठीक है, वायरलेस नहीं वायर्ड मिलता है भाई आपको। और अब हम आते हैं भाई इसके सन रूफ की तरफ। सन रूफ के कंट्रोल्स भाई आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, यहाँ से मैं इसको ऐसे पीछे कर दूंगा और ये ऐसे खुल जाएगा सन रूफ, ठीक है। और वहीं से भाई मैं दोबारा बंद भी कर सकता हूँ ऑब्वियसली, लेकिन ये कवर आपको मैनुअली बंद करना पड़ता है, ठीक है भाई। आपका हैंड ब्रेक, हालांकि इसमें कोई काम नहीं है शहर में क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी है, पार्किंग पे वैसे ही ब्रेक लग जाता है। यहाँ पे भाई आपका वायरलेस चार्जर आपको मिल जाता है यहाँ नीचे की तरफ, ये है वायरलेस चार्जर भाई, यहाँ पे आप अपना फ़ोन रख सकते हो और यहाँ पे फ़ोन वायरलेसली चार्ज हो जाता है। यहाँ पे आप कनेक्ट करोगे तो आपका एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के लिए, और यहाँ पे आपके एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है, ठीक है भाई। और बात करें इसकी तो भाई ये है ब्राइटनेस, यहाँ की ब्राइटनेस एडजस्ट करने के लिए यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। और ये भाई ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिलता है जो आपको मिलता है यहाँ पे, ठीक है। और ये शीशे के कंट्रोल्स वगैरह, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। तो भाई कुछ ऐसा है इसका इंटीरियर, और अब हम लोग चलते हैं पीछे। तो भाई चलते हैं अब इसमें पीछे, और यहाँ पे भाई आपको फिर से बोस की बैजिंग मिल जाती है क्योंकि स्पीकर मैंने कहा था इसमें सराउंड साउंड, वहाँ बॉटल होल्डर वगैरह मिल जाता है, ठीक है भाई। सीट पूरे मेरे हाइट के हिसाब से, मैं लगभग 6 फुट का हूँ, मेरे हिसाब से एडजस्टेड है भाई जगह की, फिर भी इसमें पीछे कोई कमी नहीं है, ठीक है। यह आपके प्राइवेसी ब्लाइंड्स, आपको सन ब्लाइंड्स मिल जाते हैं जो कि आप रिट्रैक्ट या फिर लगा सकते हो अपनी मर्जी से, ये मैनुअल होते हैं। और भाई इसमें पीछे देखो कोई कमी नहीं है यार, जगह की कोई कमी नहीं है, और सीट्स इतने कंफर्टेबल हैं। ये आपका वो जो मैं बताया था एयर प्योरीफायर का दिखाता रहता है, बाकी एक आपको यहाँ फास्ट चार्जिंग का सॉकेट यहाँ भी पीछे मिल जाता है, ठीक है भाई। और ये आपका ऑब्वियसली रीडिंग लाइट है जो कि यहाँ से आप जला सकते हो, बंद कर सकते हो, ये भी वाइट LEDs में ही लाइट आता है, ठीक है। तो भाई अगर मैं बात करूँ इसके प्राइस की, तो भाई ये तकरीबन 20-21 लाख रुपए की आपको ऑन रोड गाड़ी पड़ जाती है, ठीक है। बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि भाई बहुत डिटेल के लिए आपके पास सारे साइट्स वगैरह हैं ही। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं एक पर्सनल रिव्यू के तौर पर गाड़ी का रिव्यू करता हूँ। बाकी अब चलते हैं इसकी थोड़ी और ड्राइव करके देखते हैं कि भाई चलने में ये गाड़ी कैसी है, क्या मतलब अप टू द मार्क है कि नहीं अपने प्राइस के हिसाब से। तो आइए चलते हैं। तो भाई हम लोग अब ड्राइव कर रहे हैं किया सेल्टॉस को, ठीक है। और भाई इतना स्मूथ लग रहा है ना इसको चलने में भाई, मतलब जैसे अभी मैं ड्राइव मोड में ड्राइव कर रहा हूँ भाई, तो मैं मतलब कैसे समझ लग ही नहीं रहा है। पहली बात कि आप डीजल गाड़ी चला रहे हो, अगर क्यों भाई जब नहीं ले रहे हैं एक्सेलरेटर, किसी को फील हो रहा है कि गाड़ी चल भी रही है? नहीं भाई, बहुत स्मूथ है, बहुत। अब भाई इसको करते हैं थोड़ा स्पोर्ट्स मोड में, अब भाई टेस्ट करते हैं इसका स्पोर्ट्स मोड में, इसको खींच के। भाई क्या बोले, मतलब इस बजट के हिसाब से भाई बहुत पावर है यार गाड़ी में, बहुत पावर है भाई। तुरंत 100 सब क्रॉस हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हो भाई, मजा आ गया यार, मजा। हैंडलिंग की बात करूं तो भाई हैंडलिंग बहुत अच्छी है गाड़ी की, मतलब 1% भी नहीं लग रहा है कि कोई मतलब मैं गाड़ी यहाँ रोकूंगा और रुकेगी नहीं, ठीक है। बट ये सिर्फ एक टेस्ट वीडियो है, इसलिए आराम से हमेशा गाड़ी चलाना। तो भाई इसका ड्राइविंग डायनामिक्स कुछ ऐसा है, गाड़ी का कंट्रोल वंट्रोल सब कुछ बहुत अच्छा है भाई, मतलब ऑल ओवर जैसे बजट के हिसाब, मतलब मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, बजट के हिसाब से भाई गाड़ी में कोई भी कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है, बहुत अच्छी है यार गाड़ी। तो भाई अगर बात करें इसकी इंजन की, तो भाई इसमें आपको 1500 सीसी का इंजन मिल जाता है, 220 NM का टॉर्क मिल जाता है, और लगभग 114 BHP हॉर्स पावर मिल जाता है, ठीक है। एंड इट्स मेटेड टू अ 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिस मॉडल, लेकिन भाई बहुत पावर है गाड़ी में, और सच में मतलब इस बजट में मतलब मेरी तो फेवरेट, मतलब हर चीज़ को, मैं देखो मैं हर चीज़ को मिला के कह रहा हूँ, जैसे लुक्स में आगे से भाई जब गाड़ी आती है ना तो लगता है भाई कि हाँ नहीं ठीक है गाड़ी आ रही है, ये नहीं लगता कि दबी है या फिर मिड सेगमेंट की गाड़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं लगता है, ठीक है। तो भाई यही था कुछ अपना किया सेल्टॉस डीजल ऑटोमेटिक का रिव्यू टॉप मॉडल का।
अगर आपको पसंद आया भाई तो वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, और मिलते हैं आपसे कल, आपका दिन शुभ।